हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाकपन के लिए जानी जाती है, तो वही एक बार फिर से वो इसी वजह से छाई है। दरअसल हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कई सितारों को नवाजा गया, जिसके बाद कंगना ने खुद एक लिस्ट बनाई जिसमें SS राजामौली से लेकर कई स्टार्स को शामिल किया, साथ ही नेपोटिज्म माफियों को सबका हक छीनने वाला बताया। इस अवार्ड में आलिया से लेकर वरुण और रणबीर कपूर को भी ये सम्मान मिला, जिसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर नेपोटिज्म को लेकर अपनी भड़ास निकाली, जिसमें उन्होंने कहा अवार्ड सीजन आ गया है जिसमें नेपो माफिया सबसे उनका हक छीनने के लिए आ गए हैं। इसके बाद ट्विटर पर उन्होंने विनर्स की लिस्ट प्रिपेयर की और फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें बेस्ट एक्टर माना ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माना मृणाल ठाकुर को सीता रामम के लिए, बेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली RRR के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तब्बू दृश्यम 2 के लिए। इसके साथ ही कंगना का कहना है कि ये बॉलीवुड के अवार्ड शोज शर्मनाक होते हैं, जब मैं कभी इसको बनाऊंगी तब उस पर सही से काम होगा। तो बोल सकते हैं कि कंगना ने बोला हल्ला बॉलीवुड नेपोटिज्म पर। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेटेड एंटरटेनमेंट न्यूज़ प्लीज लॉग इन आवर वेबसाइट www.thejpt.com।